हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं आपके साथ होम वर्कआउट वीक 5 का लेवल 1 शेयर करूंगा। इस वर्कआउट में 3 मिनी सर्किट्स होंगे और हर मिनी सर्किट में 3 एक्सरसाइज हैं जिन्हें हमें बैक टू बैक करना है, और एक मिनी सर्किट कंप्लीट करने के बाद में हम 1 से 2 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। ओके, मिनी सर्किट 1, इसमें 3 एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार से हैं। हाई नीज 30 सेकेंड्स, उसके तुरंत बाद आर्म स्विंग विद बेंट एल्बोज 15 सेकेंड्स ईच साइड, यानी कि टोटल 30 सेकेंड्स, और उसके बाद बट केक्स फॉर 30 सेकेंड्स। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज हाई नीज फॉर 30 सेकेंड्स, उसे हम कुछ इस तरह से करेंगे। स्पीड एज पर योर फिटनेस लेवल, स्लो और फास्ट। और इसके तुरंत बाद अगली एक्सरसाइज हमारी होगी आर्म स्विंग विद बेंट एल्बोज 15 सेकेंड ईच साइड, तो उसके लिए हम वॉकिंग स्टांस ले लेंगे और एल्बोज को बेंड कर लेंगे, और यहां से हमें आर्म्स को स्विंग करना होगा। दिस वे चेस्ट अप रखेंगे, हेड लेवल रखेंगे। 15 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद वॉकिंग स्टांस चेंज हो जाएगा हमारा, पीछे वाला पैर आगे वाला पीछे, एंड अगेन रेडी गो। थर्टी सेकेंड्स कंप्लीट करने के बाद में हमारे अगली एक्सरसाइज इस मिनी सर्किट 1 की होगी बट केक्स फॉर 30 सेकेंड्स, उसे कुछ इस प्रकार से करेंगे। स्पीड एज पर योर फिटनेस लेवल। और मिनी सर्किट 1 कंप्लीट होने के बाद में हम 1 से 2 मिनट का रेस्ट, और इसे 3 से 4 बार हम रिपीट कर सकते हैं। मिनी सर्किट लेवल 1 का 2, पहले एक्सरसाइज हमारे होगी स्क्वाट्स, और हर एक्सरसाइज को हम 60 सेकेंड्स के लिए करेंगे। तो स्क्वाट्स फॉर 60 सेकेंड्स, कुछ इस तरीके से शोल्डर विड्थ गैप में, हिप विड्थ गैप में हम खड़े हो जाएंगे, टोज लगभग सामने की तरफ होंगे, फोर आर्म्स को क्रॉस करते हुए हैंड्स हमारे शोल्डर के ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ से अगले 60 सेकेंड के लिए स्क्वाट्स। कोशिश करें हर बार नी डेप्थ जाएं, चेस्ट को अप रखेंगे, फोर आर्म्स को लगभग पैरेलल रखेंगे ग्राउंड के, ब्रीदिंग के साथ पीछे, ब्रीद आउट के साथ ऊपर, और थ्रू आउट कोर को एंगेज रखेंगे। 60 सेकेंड होने के बाद हमारी अगली एक्सरसाइज है पुशअप्स विद स्टैगर्ड स्टांस 30 सेकेंड्स ईच साइड। स्टैगर्ड स्टांस को जिस प्रकार से हो, पहले 30 सेकेंड, उसके बाद फिर हम पोजीशन चेंज करेंगे अगले 30 सेकेंड, कुछ इस प्रकार से। जिनका फिटनेस लेवल अच्छा है वो लोग फुल लेंथ कर सकते हैं, अदरवाइज हाफ लेंथ यानी कि ऑन द नीज। ओके, मैं डेमो में आपको ऑन द नीज यानी कि हाफ लेंथ शो कर रहा हूँ। सो हैंड पोजीशन हमारी एक शोल्डर के ऊपर और एक टुवर्ड्स हिप आ जाएगी। यहाँ से 30 सेकेंड्स के लिए हम पुशअप्स करेंगे, कोर को एंगेज रखेंगे, और 30 सेकेंड होने के बाद हैंड पोजीशन चेंज करेंगे, और अगले 30 सेकेंड्स अगेन रिपीट, कोर एंगेज रहेगी, टोटल 60 सेकेंड्स होने के बाद हमारी जो आखिरी एक्सरसाइज होगी हम उसके लिए मैट की जरूरत पड़ेगी, टी सुपरमैन फॉर 60 सेकेंड्स। सो मैट, दरी, बेडशीट डाउन ऑन योर बैली, हैंड्स की पोजीशन हमारी टी के अनुसार होगी ऑन योर साइड शोल्डर लेवल, और यहां से हम अपर बॉडी लोअर बॉडी इंक्लूडिंग हैंड्स एक साथ ऊपर उठाएंगे, और कंट्रोल मैनर में हम रेपिटिशन एग्जीक्यूट करेंगे। अगले 60 सेकेंड के लिए कोशिश रहे टोज हमारे बाहर की तरफ पॉइंटेड हों, लेग्स को हम कोशिश करेंगे सीधा रखने के लिए, सिक्सटी सेकेंड्स होने के बाद फिर हम 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेंगे, और इस मिनी सर्किट 2 को हम 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। लेवल 1 का मिनी सर्किट 3, इसकी पहली एक्सरसाइज होगी हमारी 2 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन स्क्वाट, और उसके साथ हम ऑल्टरनेट लेग रेस टू द फ्रंट हम करेंगे 12 रेपिटेशन यानी कि टोटल 24। ओके, कुछ इस तरीके से रेडी, हिप विड्थ गैप में हम खड़े हो जाएंगे, हैंड पोजिशन हमारी ऑन गार्ड रहेगी, ब्रीद इन करते हुए हम नीचे जाएंगे, और ऊपर आके हम ब्रीद आउट के साथ लेग रेस करेंगे, से हमने राइट लेग किया, फिर अगेन स्क्वाट, अगली बार
लेफ्ट लेग से। सो मूवमेंट इन कंटिन्यूएशन कुछ इस प्रकार से होगा, 12 रेपिटेशन ईच साइड। बारह बारह यानी कि 24 काउंट खत्म होने के बाद हमारी अगली एक्सरसाइज होगी नमस्ते क्रंचेस फॉर नेक्स्ट 60 सेकेंड्स। उसके लिए हमें मैट की जरूरत होगी। डाउन ऑन योर बैक, लेग्स को हम फोल्ड कर लेंगे हिप विड्थ गैप में, नीज और फीट, और यहां से हम शोल्डर लाइन में हम नमस्ते फॉर्म करेंगे। और यहां पे हमें पहले कोर को एंगेज करना है और हम हैंड्स को सीलिंग की तरफ यानी कि छत की तरफ हम ले जाने की कोशिश करेंगे विद ब्रीथ आउट, कुछ इस प्रकार से। कोशिश करेंगे हर बार हम शोल्डर ब्लेड्स को ग्राउंड से क्लियर या ऊपर उठा पाए। सिक्सटी सेकेंड्स खत्म होने के बाद हमारी आखिरी एक्सरसाइज इस मिनी सर्किट की होगी सुमो स्क्वाट्स विद अल्टरनेट लेग रेजेस टू द साइड्स 12 12 12 12 यानी कि 24 काउंट। सो सुमो स्क्वाट्स स्क्वाट पोजीशन, फीट वाइड स्टांस, हैंड्स ऑन गार्ड रहेंगे हमारे। पहले हम स्क्वाट बनाएंगे, फिर से हमने राइट से स्टार्ट किया, सो साइड रेस्ट, देन अगेन स्क्वाट और अदर साइड, लेफ्ट साइड अगेन लेग रेस्ट। सो इन कंटिन्यूएशन कुछ इस प्रकार से। बारह बारह यानी कि 24 खत्म होने के बाद हमारा मिनी सर्किट 3 कंप्लीट होगा। एक से दो मिनट का रेस्ट लेंगे और इस मिनी सर्किट को हम 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं।